दिल्ली के बाहरी छोर छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास के कैंपस में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है, जिसकी कमान भारत के अर्धसैनिक बल आईटीबीपी के हाथों में है। यहां जरूरत पड़ने पर 10,000 तक बेड लगाए जा सकते हैं। फिलहाल यहां 2,000 बेड पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। ये टेम्पररी हॉस्पिटल राधा स्वामी सत्संग व्यास के कैंपस में बना हुआ है। इसकी कमान भारत के अर्धसैनिक बल आईटीबीपी के हाथों में है। इस सेंटर में पिछले 5 दिनों से भर्ती पूजा ने बताया कि यहां अस्पताल से भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। समय पर खाना मिल रहा है और समय पर मेडिकल स्टाफ हालचाल जानने आता है। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे एनवायरनमेंट में हूं और सेफ हूं, और मेरे को हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छी फैसिलिटी यहां पे दी जा रही है। और सबसे अच्छा मुझे लगता है कि हमारे साथ जो टीम है ना, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है और हमें इम्प्रूवमेंट दे रही है, और हमारे साथ अच्छा बॉन्डिंग है उनका, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ भर्ती लोगों के चेहरे पर तनाव या चिंता नजर नहीं आती है। यहाँ हो रहे हर काम में एक अनुशासन नजर आता है। ये अनुशासन सिर्फ स्टाफ में ही नहीं, मरीजों में भी है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मानसिक सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुमन यादव और ब्रजेश कुमार एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर हैं। उनकी टीम का काम मरीजों का तनाव कम करना है। डॉक्टर रीता मोगा मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। वो उन मरीजों का ध्यान रखती हैं जो पहले से किसी और बीमारी से भी पीड़ित हैं। डॉक्टर मोगा बताती हैं कि यहाँ मरीज बहुत ज्यादा हैं। कई बार उनसे बात करने में मुश्किल होती है। मरीजों के साथ कोई नहीं है, ऐसे में हमें ही उनकी हर जरूरत का भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पे काफी सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट का लोड है और सिक पेशेंट है, उनसे अंदर कम्युनिकेट करने में हमें मुश्किल होती है, और पेशेंट्स के साथ उनके कोई भी नहीं है, तो उनको कुछ भी होता है तो हमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ता है। भारत में इस समय कोरोना संक्रमण के करीब 1,00,000 नए मामले सामने आ रहे हैं, और ये तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में इस समय भारत में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके छतरपुर में ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर केंद्र है, जहां अभी मरीजों के लिए 2,000 बिस्तर हैं और इनकी संख्या 10,000 तक बढ़ाई जा सकती है। छतरपुर के इस कोविड केयर सेंटर में अब तक करीब 5,000 संक्रमित भर्ती हो चुके हैं। यहां बिना लक्षणों वाले या हल्के लक्षणों वाले मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। अभी तक यहां पर एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। डॉक्टर प्रशांत मिश्र बताते हैं कि यहां 1,800 सामान्य बिस्तर हैं, जबकि 200 बिस्तरों पर ऑक्सीजन सपोर्ट है। आपात स्थिति के लिए आईसीयू भी तैयार किया गया है। यहां पर टोटल 2,000 बेड हमारे पास है। जिस 2,000 बेड में 1,800 बेड नॉर्मल कोविड केयर सेंटर के बेड हैं, जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट केसेज हम रखते हैं। 200 बेड डेडिकेटेड ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, जो कि टेम्परेरी हॉस्पिटल के तौर पर हमने कन्वर्ट किया है। वहाँ पर राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन सप्लाई, उसके लिए सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, बाईपैप मशीन्स, मल्टीपैरा मोनिटर, जिस आधुनिक जो सुविधाएं होती हैं, वो सब यहाँ पे लगा हुआ है। राउंड द क्लॉक हमारे पास मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जुलाई के पहले सप्ताह में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की थी। इसमें दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, राधा स्वामी सत्संग व्यास और कई अन्य गैर सरकारी संगठन सहयोग दे रहे हैं। इसकी कमान आईटीबीपी के हाथों में है। आईटीबीपी इस समय सरहद पर चीन से और सरहद के भीतर चीन से आए वायरस से जूझ रही है। दुनिया के सबसे बड़े कोविड सेंटर का संचालन आईटीबीपी के लिए एक अलग तरह का अनुभव है। ये अनुभव उन्हें भविष्य में भी काम आएगा।